हाय गर्ल्स, मेरा ये मैसेज उन सभी लड़कियों को जो मैट्रिमोनी साइट के थ्रू शादी करना चाहती हैं, करें, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें कुछ चीज़ों का आपको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही बातें हैं। आप शक्ल, सूरत, पैसा, एजुकेशन, फैमिली सब कुछ देखते हो, बहुत अच्छे से देखते हो। कुछ आपको लगता भी है कि आपने अपनी तरफ से सब कुछ देख लिया, बट अल्टीमेटली आप किसी का नेचर नहीं देख सकते, किसी के घर के अंदर का माहौल नहीं देख सकते, उनकी कितनी रजामंदी है इस शादी के लिए और कितनी नहीं है वो नहीं देख सकते, एंड वो आपकी बेटी के साथ या किस तरीके का बिहेव करेंगे वो आप नहीं देख सकते। ये सब आपको पता लगता है आफ्टर मैरिज। कई लोग सिर्फ शुरू शुरू में शक्ल का अट्रैक्शन देख के, आपको देख के, आपकी पर्सनैलिटी देख के अट्रैक्ट होकर आपसे शादी कर लेते हैं, एंड विद इन 2 या 3 मंथ्स के अंदर आपको ऑल ऑफ अ सडन ये बोला जाता है कि जी ये घर आपका नहीं है, बिकॉज ये तो मेरी माँ के नाम का घर है, मुझे घर से बेदखल कर दिया गया है। उस टाइम पर, उस सिचुएशन पर आप क्या करेंगे? आपको नहीं पता, आपको लॉ नहीं पता, आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपको क्या बोलेगी? मैडम आप वुमेन सेल में जाइए या डोमेस्टिक वायलेंस में जाइए, बिकॉज ये घरेलू हिंसा है। आप वहीं जाएंगे, अल्टीमेटली काम आपका ख़राब होगा, सुधरेगा नहीं। तो उस वाले स्टेप तक जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें, सो दैट आपकी लाइफ बच जाए, एक डाइवोर्सी का स्टैम्प आपके ऊपर ना लगे, जिसमें क्योंकि ज़्यादातर लड़कियों का नुकसान होता है, लड़कों का कोई नुकसान नहीं होता, उनको फिर कोई लड़की मिल जाएगी, फिर कोई फैमिली मिल जाएगी जो उन पर ट्रस्ट करेगी। और ये हाल में उन लोगों के आजकल का बता रही हूँ जो अच्छे पैसे वाले घर के लोग हैं। तो प्लीज़ आप लड़के की पहले तो ये देखिए, अगर वो बिज़नेसमैन है तो ये पता कीजिए वो बिज़नेस कहाँ कर रहा है, उसका ऑफिस कहाँ पर है, उसके क्या इनकम है, और आप वो सोर्स इनकम के पता करेंगे, पूछेंगे, अपने पास डिटेल मंगवाएंगे। अगर वो मना करता है तो उसको बड़ा वाला नो कर दीजिए। उसके फैमिली मेम्बर्स या कोई भी, अगर आप उससे फैमिली के लिए पूछ रहे हो कि आपका लड़का क्या कमाता है, क्या करता है, और वो बोले नहीं जी हम तो बहुत अच्छा खाते कमाते हैं, और आप उसकी बात पर हाँ कर दो, तो ये नहीं होना चाहिए, बड़ा वाला नो कर दीजिए, वहाँ शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, अगर आपको कहीं पर भी लगे कि लड़के के घर में उसकी बहन, माँ या फादर, इनमें से कोई भी कहीं थोड़ी थोड़ी बात पे भी ये बोल दे कि भाई इनकी मर्ज़ी है, ये जानते हैं, हमने तो करा नहीं, अदर कास्ट में कर रहे हैं या ऐसे है या वैसे है, उसी वक्त मना कर दीजिए। पूछने की दूसरा क्वेश्चन ज़रूरत ही नहीं है, साफ मना कर दीजिए। बिकॉज लड़का अगर एंड टाइम पे आफ्टर मैरिज इस बात के लिए मुकर गया कि वो आपके लिए कहीं स्टैंड ना ले पाए, आपको बहुत बुरा लगेगा, बहुत गिल्टी होगी, एंड आपका वो थोड़ी देर का प्यार, वो थोड़ी देर का अट्रैक्शन आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल गर्ल्स जो मैरिज करने के लिए जा रही हैं या मैट्रिमोनी साइट के थ्रू जा रही हैं। मैट्रिमोनी साइट बुरा नहीं होता, बट आपको उसमें अपना केयर होकर चलना, अपना क्योर करके चलना बहुत ज़रूरी है, और हो सके तो कोई डिटेक्टिव भी आप हायर कर सकते हैं। आपके 14-15-20 हज़ार रुपये लग जाएंगे, लेकिन आपकी पूरी लाइफ सेफ हो जाएगी, आपको कोर्ट के धक्के, एडवोकेट की फ़ीस और ये सारी चीज़ें नहीं देनी पड़ेंगी, एटलीस्ट आप वहाँ सेफ होंगे। बेस्ट ऑफ लक।